सब कुछ भुला रहे हैं मेरे सनम के खाओ सब कुछ भुला रहे हैं मेरे सनम के खा Rangi saare, Gulabi Mohemare, najariya, So hi, I'm Ajasi Kapoor from Loudest.in and get ready to dive into the enchanting world of music as we sit down with the mesmerizing Indian singer Kavita Seth, renowned for her soulful and emotive voice. Kavita has captivated all audiences worldwide with her melodious renditions and heart-touching performances from traditional ghazals to contemporary bollywood hits she has showcased her versatility throughout her, throughout her successful career and also we have with us a rising star of music industry kanishk Said, with a voice that exudes passion and charisma kanishk has been making waves with his unique musical style and soul-stirring performances we welcome you here today Thank you. Thank you. you. How are you? I'm very good. So today we will talk about their new song, Mere Sanam Ke Paab. So my first question to you both is, uh, can you tell us about the inspira inspiration behind the your new single, Mere Sanam Ke Paab, and how the collaboration with T-Series came about? Uh, so this happened, I would say the song, the song happened a uh, couple of years back. तो अक्सर सैयद जिया अलवी साहब के साथ बहुत कोलाबरेट करती हैं। इज अ वेरी पोएट इन द आई वुड से इन द पोएट्री सर्कल ऑफ इंडिया एंड मेजरली वो सूफी पोएट्री ही लिखते हैं तो इसलिए वो कुछ भी जब नया लिखते हैं तो मुझे भेज देते हैं तो जब उन्होंने ये सॉन्ग भेजा था आंखों में छा रहे हैं, मेरे सनम के खां मुझे इतना प्यारा लगा और इमीडिएट मेरे साथ ये होता है कि जब भी कुछ नई पोइट्री मिली और यदि मैं कनेक्ट कर गई उसके साथ तो कैसे ट्यून बनती है मुझे समझ नहीं आता वो बस कुछ तो होता है और वो ट्यून बन जाती है तो मैं अक्सर बैठ करके रियाज करती थी आ मतलब डेली जैसे मैं बैठती हूँ तो मैं वो गाती थी और कई बार कनिष्क ने सुना भी था उसको फिर देन वी प्लैंड कि चलो ये गाने को हम लोग बनाते हैं और और उसमें फिर कनिष्क से भी मैंने कहा कि तो कुछ लाइंस तुम भी गाओ और इस तरीके से हम लोगों ने बनाया ये सॉन्ग और फिर लेकिन मुझे सबसे अच्छी चीज कनिष्क की लगती है कि वो जब गाना बनाते हैं तो उसमें जो इंडियन टोन्स इंडियन इंस्ट्रूमेंट्स की जो टोन्स यूज करते हैं वेस्टर्न साउंड्स भी रहती हैं और उसके साथ-साथ वो तो इंडियन जो एलिमेंट यूज करते हैं तो से वो एक एक अलग ही समा बन जाता है उस गाने वो गाना बिल्कुल चेंज हो जाता है तो वो बहुत प्यारी चीज लगती है मुझे और मुझे लगता है कि शायद इसका जो विजुअल जो टी सीरीज ने जो वीडियो बनाया है वो इतना कॉम्प्लीमेंट कर रहा है ऑडियो वीडियो को और वीडियो मतलब इतनी क्लासिक स्टोरी इतना सुंदर कथक बच्चे लोग कर रहे हैं आजकल ये सब चीजें कहाँ देखने को मिलती हैं कि जैसा गाना है वैसे ही उन्होंने विजुअल्स क्रिएट किए हैं तो दोनों एक दूसरे को बहुत कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं है ना या रोटली आपसे so as a mother son musical duo de how do you find the creative process when working together on a song like what are some of the unique advantages and challenges of collaborating within a family एक्चुअली इसके लिए आप आप घर पे नहीं जब हम लोग काम कर रहे होते हैं उस, उस वक्त तो सिर्फ काम पे ही फोकस रहता है और मेजरली कि यदि ये कोई points बोल रहा है कि इसको ऐसे improvise करें या इसमें ये चीज ऐड कर दें तो मैं भी उतने ही ध्यान से सुनती हूँ और उतना ही रिस्पेक्ट देती हूँ जैसे कोई और बाहर से भी कोई म्यूजिशियन है उसके साथ काम कर रही तो सेम वे रहता है काम करते वक्त नो no कॉम्प्रोमाइज <laughs> और सेम विद कनिश की यदि कनिश कुछ बना रहे हैं तो वो एडवाइस लेते हैं मॉम मैंने कुछ नया क्रिएट किया सुनो और सबसे अच्छी चीज ये है कि हम दोनों को मालूम है कि दोनों का नेचर भी और टेस्ट भी और बहुत ट्रांसपेरेंट है कि हम एक दूसरे की झूठी तारीफ के लिए कोई चीज नहीं बोलेंगे अच्छा कि हाँ अच्छा लग रहा है कू ठीक है ठीक है बढ़िया है ऐसा नहीं बोलेंगे यदि कोई चीज खराब लग रही है और फिर भी उसका मन है तो वो रखे मैं बोलूंगी कि मुझे ये चीज नहीं अच्छी लग रही तुम चेंज कर सकते हो तो बेटर है नहीं तो फिर तुम्हारी मर्जी mm -hmm. तो ये काफी uh, अच्छी चीज है मुझे लगता है और इवन मैं कुछ गाती हूँ तो कनिष्क भी ऐसे ही बताते हैं सो व्हाट इज योर थॉट ऑन दिस कनिष्क सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही है कि अब तक जितना भी कोलेबोरेशन रहा है काफी इनकरेजिंग okay. रहा है दोनों के बोथ वेज एज एन बिकॉज आई स्टार्ट माई प्रोडक्शन करियर आई वुड से वेरी वेरी अर्ली एज

तो वो हमेशा से ही रहा है एंड uh, जब वो एक स्पेस बन जाती है टू यू नो टू बी वलनरेबल ऑल्सो टू शेयर कुछ भी आप बनाओ कुछ भी सुनाओ तो वो हमेशा से ही रहा है और तो वो बिल्ड ही होता रहा है तो अगर हम कुछ एक दूसरे को बताते भी हैं कि ये अच्छा नहीं लग रहा है इट इज फॉर आर ओन गुड ओनली एज एन हम चाहते हैं कि भाई इवन इफ यू आर नॉट वर्किंग टूगेदर या किसी और के लिए काम करेंगे दिस इज वॉट वी कैन यू नो टेक इन माइंड

गाना है ये वैसे ही उसके विजुअल्स ही बहुत अच्छे से बैठ रहे हैं ऑब्वियसली कुछ कुछ चीजें थी कुछ कुछ सजेशंस थे हम लोगों की तरफ से जो हम चाह रहे थे कि इनकॉर्पोरेट रहे उट like, like, मतलब दस मतलब, मतलब स्टार्टिंग से लेके ये ले गाना जब रिलीज हुआ तब तक मतलब बहुत ही स्मूथ हमारा उनके साथ जर्नी रहा सीरीज के साथ बहुत अच्छा लगा मुझे तो काम hmm. करके एंड इवन लाइक रजत इन जनरल He he was very clear. that knew? shoot? to shoot And you both were satisfied with the video, right? Because I really? I saw it and it was stunning. It was amazing. Yeah, and the fact. Like, but that what he... did you thought in your mind? That it was on plate. We we didn't have any particular visuals. Like the, yeah. when he came up with this story, yeah. we thought, okay, yeah, okay, this is like we knew about this, but like you know, when it just clicks, oh yeah, this is or exactly what we were thinking of you know having like a beautiful and, and especially having kathak and you know in in this song where the music is very contemporary a bit electronic but at the same time tempo hai, but composition here but you know your lead actors are you know they're practicing mm -hmm. for a kathak performance and mm -hmm. it, which leads up for that beautiful performance yeah. i think और It's इस गीत really... के माध्यम से माधुरी दीक्षित को बिरजू महाराज जी को भी ट्रिब्यूट दिए है कि जिस तरीके से ये दोनों लेजेंड हैं अपने उसमें तो बहुत खूबसूरत तरीके से मुझे बहुत अच्छा लगा पूरा ओवरऑल कॉन्सेप्ट बहुत प्यारा था सो सो टेल मी दैट मतलब जो आपका ये गाना है ये और आपने जितने भी अभी तक गाने गाए हैं उससे कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं मतलब दिस पर्टिकुलर पीस हाउ इट इज इट इज समथिंग इट इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर थिंग्स यू हैव संग टिल नाउ बोथ द क्वेश्चन इज फॉर बोथ ऑफ यू हर गाना अपने आप में एक अलग कलर लेकर के आता है और उसकी अपनी अलग एक जर्नी होती है तो सेम वे विद ये ये वाले गाने के साथ भी ऐसे ही हुआ कि हम लोगों ने नहीं प्लान करा था कि ये भी गाना इतना सुंदर ऑडियो बनेगा फिर इस तरीके से विजुअल्स बन जाएंगे जो इसकी जर्नी रही है बहुत खूबसूरत रही है तो मुझे लगता है हर गाने का अपना एक जर्नी तो होती है और हर गाने की अपनी एक किस्मत भी होती है वो कि जैसे इस गाने को भी इतना प्यार मिल रहा है इतना लोग पसंद कर रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है हमें लग रहा है कि हम सही रास्ते पर हैं अच्छा काम कर रहे हैं और लोग हमारा दोनों का कोलैबोरेशन बहुत पसंद कर रहे हैं हाँ। तो अब और सीरियसली सोचना पड़ेगा हमको <laughs> अभी तो हम लोगों ने सिर्फ रंगी सारी निकाला था मतलब रिलीज हुआ था और उसके बाद दैट इज माय पर्सनल फेवरेट सॉन्ग मतलब आई मैं आपको गाने के लिए बोलने वाली थी कि एंड बोलूंगी प्लीज थिंक टू लाइंस फ्रॉम दैट सॉन्ग एंड फ्रॉम योर न्यू रिलीज आल्सो

वो उससे कभी भी अलग मत हो तो इन चीजों को रिस्पेक्ट दो अपने संगीत को रिस्पेक्ट दो यदि हम ही नहीं देंगे तो कौन देगा मतलब यदि हम अपने डांस की जो कथक हमारे यहाँ की एक प्रथा इतना सुंदर जो डांस का एक स्टाइल है वो जो है ये सारी चीजें कभी खत्म ना हो इन सब चीजों को रिवाइव

Uh, जो मैं भी महसूस okay. करता हूँ अबाउट द म्यूजिक दर बी मेकिंग बहुत अच्छे से आपने बोला है we okay. that we should, you know, really, चाहे कुछ भी करें वी शुड रियली नॉट लीव अर रूट्स बिल्कुल बहुत जरूरी है वो और ये ही वीडियो में भी दिखाया है जैसे कि कथा कितनी सुंदर स्टाइल है अपना डांस की और जिस तरीके से वो स्टोरी गाने के पूरे चारों तरफ घूमती है बहुत सुंदर बहुत प्यारा तो मतलब एक तरीके से इनडायरेक्टली हम ये भी लोगों से कह रहे हैं कि आपकी जो ट्रेडिशन है और लोग इंडिया को फॉलो कर रहे हैं पूरा वर्ल्ड वाइड तो हम अपनी रोड्स को क्यों छोड़े हम अपने रूट्स को पकड़ करके और हमें वो चीजें यदि पसंद आती वो भी सुने वो भी सीखें वो भी गाएं लेकिन हम अपने जो हमारे राग हैं जो हमारा संगीत है जो हमारे ट्रेडिशंस हैं चाहे डांस म्यूजिक वो उसको हम बिल्कुल ऐसे संजो करके रखेंगे और तो वो वाकई वो वो ही थॉट था मुझे लगता है गाने का भी और वीज, जो विजुअल से वो भी तो इसीलिए वो चीजें अपने आप पहुंच जाती हैं लोगों तक उसके लिए बहुत ज्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी होती आप ईमानदारी से सच्चे दिल से जब काम करते हो तो वो अपने मकाम तक पहुंच जाती है मतलब जैसे कि आई फील दैट ऑन रील्स ओनली The music gets viral, and in I I feel in two three days it gets viral, and I it's very. And I saw that drunk sari was also a very big hit on heels. Team. Yeah, yeah true, true. And so it was. I, I was mother. It's mind boggling. So, do you expecting any campaign strategies for mere Samanam ke Anything? Any just a dance move? or a, a, I would say any real strategy, any campaign strategy. I think that's already happening. Like we. Yeah. I was just checking on Instagram. Like already it has more than seventy ,000 to eighty thousand. Wow, that's amazing! I'm i was like, thinking oh, that's no. <laughs> reels play a very important role so yeah, after, yeah, yeah. and people are people are now. making dance videos ah. and people are lip syncing on it and i think when people just use it for like just random mm -hmm. produce, then that's when i think that you know <laughs> the, the song has really peaked yeah. <laughs> because mm -hmm. that's when people just want to use like a trending yeah. audio for whatever uses so इट्स रियली नाइस टू सी यू नो पीपल बट हमने का रंगी सारी के टाइम पे भी नहीं सोचा था कि इस तरीके से पे बनेगी और अभी भी लेकिन लोग बहुत सुंदर सुंदर रील्स हम लोग को डेली टैग कर रहे हैं तो हम लोग रोज कुछ ना कुछ देख रहे हैं और बल्कि मजा आ रहा है देख देख कर तो मैं आपसे ये पूछूंगी कि मतलब ये हो गई की बात और आजकल आजकल के आर्टिस्ट को सिर्फ अगर वो अपना गाना विदाउट रिकॉर्ड लेबल अपनी रील पे बिठा दे सो इट्स बिग थिंग मतलब नाउ पर्टिकुलर रिकॉर्ड ओनली आई मीन इंस्टाग्राम एज पे And the भी था। अभी कितने शहरों से कितना अच्छा अच्छा लोग गा करके कुछ पोस्ट करते है और हम लोग चेक भी कर लेते हैं जब वक्त मिलता है तो वो एक अच्छी चीज है अः आप कनेक्ट हो पा रहे हो पैन इंडिया किसी छोटे से शहर में भी कोई गांव में भी कोई बैठा है और कुछ अच्छा काम कर कर रहा है वो आपको टैग देता तो आप एक बार तो मारते ही हो कि हाँ देखते हैं क्या है हो सकता है कोई अच्छी चीज मिल जाए क्योंकि सबको कुछ ना कुछ अच्छे की बेहतर की तलाश होती है तो okay. इस तरीके से बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट भी मिले हैं हम लोगों को टू वट आमिंग I can't really we can't really disclose much, <laughs> but uh tell a bit about. Uh, I would say um collaboration is other they could release or uh, But T series only she's haan. she's doing it yeah. wow uh, August first week may and then hai. Then oh. we have something couple of songs end of this year, next year also. So yeah, a lot, lot of things lined up.

ए खुद बना रहे हैं मेरे सनम के खाब सपने दिखा रहे हैं मेरे सनम के खाब सपने दिखा रहे हैं मेरे सनम के खाब सब कुछ भुला रहे हैं मेरे सनम के खाओ सब कुछ भुला रहे हैं मेरे सनम की खा रंगी सारी गुलाबी चुनरिया मोह मारे नजरिया रे मोह मारे नजरिया सावरिया रंगी सारी गुलाबी Wow, wow, amazing. Love it, love it. So thank you so much for joining us and thank you so much. It was lovely talking to you both. I hope to see you soon, very soon. Thank You're you kidding. so much for your time. Thank, you. Thank you. Bye, Jasveen. Thank Bye. you.